हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, बेसिकली जो होगा अपना कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके, और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है भैया, जो सऊदी में जितने भी अपने यहाँ के लोग हैं जो पाकिस्तान से इंडिया से, उन लोगों के लिए भैया तो और ही बढ़िया खबर है। सऊदी का जो नियम था बहुत ही अजीबोगरीब जो कि था कफाला का, अभी सऊदी गवर्नमेंट जो उसे चेंज करने वाली है 2021 से, उस पर कुछ नए नियम कानून बनाने वाली है। बताया जा रहा है कि जो कई साल से, मतलब सऊदी के जो काफ़ी सालों से पुराना नियम था, जिसकी वजह से लेबर जो वहाँ के थे, जो काम करने वर्कर थे हमारे यहाँ के, जो इंडिया से जो लोग भी लोग वहाँ पे अभी भी जो काम कर रहे हैं, वो लोग भी काफ़ी परेशान थे। सैलरी बेसिस भी, फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, काफ़ी सारी चीज़ों पे वो लोग भी परेशान थे भैया। मतलब कंपनी में काम कर रहे हैं, सैलरी वहाँ मिल रही है, मान के चलिए आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं उसकी सैलरी भी है 30,000 से 40,000 के बीच में। अगर उसी कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी जाते हैं, बगल में से कोई कंपनी है वहाँ पर आप जाते हैं, आपको वहाँ पर सैलरी मतलब मिलती है 40 से 50,000 उसी काम को लेके, उतना ही काम को करना है। मतलब इस कंपनी में अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, उस कंपनी अगर आपकी सैलरी 30 से 40,000 के बीच में है और 8 घंटा की ड्यूटी है, अगर आप उसी कंपनी को छोड़ कर किसी और कंपनी जाते हैं वहीं सऊदी में जिसे रहते हैं आसपास किसी और कंपनी में, तो वहाँ पर अगर उस कंपनी पता करते हैं आपकी सैलरी वहाँ पर अगर उसी काम को करने को मिलता है 40 से 50,000 के बीच में, तो आप क्या करेंगे भैया? उस कंपनी के जाएंगे, बोलेंगे हमें यहाँ पर जॉब दे दो, तो वहाँ पर अभी नहीं हो सकता था। आपको क्या करना है, फिर वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उस कंपनी में जाकर फिर वहाँ से कंपनी को कहेगी आप इंडिया जाओ, फिर आप वापस आओगे इंडिया, फिर अपना यहाँ से फिर दोबारा उस कंपनी पे जाके जाओगे, उसके बाद से आपको सैलरी, काफ़ी मतलब लंबा प्रोसेस चलता था। अभी क्या हुआ है, जो कफाला का जो नया नियम चेंज कर देगा सऊदी के जो डिप्टी मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला अबू हसनैन करके, इन्होंने बताया कि 2021 से जो हमारे यहाँ जितने भी लेबर या फिर जो भी कंपनी में काम करने वाले लोग होंगे वो आएंगे, या फिर जो अभी भी हैं अगर वो चाहें तो, अगर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं अगर उस कंपनी में अगर उन्हें अच्छी फैसिलिटी, अच्छी मेडिकल जो भी चीज़ें हैं, सैलरी हो गया, लाइफ स्टाइल जो भी चीज़ें हैं, और अच्छी नहीं मिले, बगल में दूसरी कंपनी है, मान उस एरिया में कोई 5-10 किलोमीटर एरिया में भी अगर कोई दूसरी कंपनी है वहाँ पर अगर बढ़िया उसे मिल रहा है इसी काम को करने का, बढ़िया सैलरी मिल रहा है, उतना ही काम करना है, सैलरी अच्छी मिल रही है, फैसिलिटी बढ़िया मिल रहा है, खाना मिल रहा है बढ़िया, तो वो वहाँ पे डायरेक्ट इजीली चला जाएगा उस कंपनी में। वो जाके वहाँ पे बात करके अपना जो इंटरव्यू देके जो भी चीज़ होगा बहुत ही क्विकली हो गया। अभी कफाला जो पहले वाला सिस्टम था उसमें क्या था कि मतलब अगर आप अभी फ़िलहाल जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपकी सैलरी मान के चलिए 30,000 रुपये है, और आप सोचते हैं कि जो बगल वाली कंपनी हम जाके जॉब ले लेते हैं, तो उसके लिए आपको जॉब तो मिल जाएगी, बट आपको सबसे पहले फिर जो कंपनी से आप गए हुए हैं, पहली कंपनी जो काम करूँ वहाँ पे आपको काफ़ी लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर आपको कंपनी के लिए वहाँ से अपनी पासपोर्ट लेना पड़ेगा, इंडिया आना पड़ेगा, फिर जिस कंपनी का गए थे पता करने के लिए दूसरी वाली कंपनी वहाँ से आपको वीज़ा मंगवाना पड़ेगा, फिर इंडिया से आपको वहाँ जाना। अभी क्या, जो कफाला का नियम आ गया है जिससे अभी जिस कंपनी में है आप उस कंपनी में तुरंत वहाँ से रिजाइन देके दूसरी कंपनी में फटाक से ज्वाइनिंग कर सकते हैं बहुत ही इजीली, आसानी के साथ। तो और दूसरी खबर जो बात की, जो कुछ एयरपोर्ट को लेके, मतलब हो सकता है दिवाली कल है तो कल के बाद कुछ अच्छा सुनने को मिला आप सभी को। अभी साथ में जो दरभंगा का जो था एयरपोर्ट, दोनों साथ में ही चालू होने, अभी 75% सारी फ्लाइटें चालू हो चुकी हैं इंडिया में, जो पिछले महीने 60% थी कोरोना की वजह से। तो बस यही थी इस न्यूज़ में, बस मिलते अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।